तो ये बना रखी है दुल्हन की मम्मी और ये दुल्हन के पापा। तो दोस्तों यहाँ पे सालियाँ हो गई हैं तैयार प्लेट लेके और दूल्हे का इंतजार हो रहा है और बारात वैसे आ गई है लेकिन अभी दूर है, रास्ते आ रहे होंगे नाचते गाते हुए। और ये देखो ये सालियों को इंतजार हो रहा है अपने जीजा जी का। कोई बड़ी साली कोई छोटी साली, बड़ी ये सबसे बड़ी साली है। कितनी कितनी डिमांड करोगे अपने जीजा जी से? 11,000 की। 11,000 दोस्तों ये कह रहे ज्यादा नहीं मांगेंगे, सिर्फ 11,000 रुपए ही मांगेंगे। आप देखते हैं कि कितने मिलते हैं, है ना? हाँ शरीफ है ना, इसीलिए ज्यादा नहीं मांगेंगे। 11,000 चंद हो गए, वो भी ना देना तो जाने का किराया दे देगा ना। सही बात है, अपने अपने घर का गाड़ी का किराया दिए, इसलिए हमें एक पानी बैग लगा। तो दोस्तों बारात आ गई है, आप देख सकते हो गेट पे बारात पहुंच चुकी है और हमारी तरफ से भी सब तैयारी हो चुकी है। तो दोस्तों जयमाला हो गई है और सबने खाना पीना खा लिया। खाना पीना खाते हुए कि मैंने वीडियो नहीं बनाई। अब यहाँ पे हो रहा है कन्यादान। लो बोलो। हाँ तुम सारे लड़के वाले हो ये लड़के वालों की फौज है। हमने अपनी भाभी को भारत माता बना दिया है। जंग जीती और कन्यादान से पहले होता है गोत्राचार। तो गोत्राचार में क्या होता है कि जो दुल्हन ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी होती है उसको उतार देते हैं और उसकी जगह जो माँ बाप ने और ससुराल वालों ने जो बना रखी होती है ज्वेलरी, असली ज्वेलरी, उसको पहनाया जाता है। अब मैं आपको आगे की वीडियो दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हो रहा है कन्यादान, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो माँ बाप ने कन्यादान कर दिया है और अब माँ बाप चले जाएंगे क्योंकि माँ बाप फेरे नहीं देखते। आप हाथ जोड़ते हुए जाओ पीछे से। और दूल्हे ने दुल्हन को मंगलसूत्र भी पहना दिया है और मांग भी भर दी है।
तो यहाँ पे आधी शादी इनकी हो चुकी है, अब इनके होने वाले हैं फेरे। और फेरे हो चुके हैं, और फेरे होने के बाद क्या होता है, अब इनको पंडित जी बता रहे हैं ये 7 फेरे तुमने लिए हैं उनके कौन कौन से वचन होते हैं। कुछ वचन जो है वो दूल्हा देगा दुल्हन को, और कुछ वचन दुल्हन देगी दूल्हे को। आप सुन सकते हो पंडित जी उनसे क्या कह रहे हैं। मैं तुम्हारी सातों शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया हूँ, परंतु तुम्हें भी मेरे कुछ वाक्यों का पालन करना पड़ेगा। पहला वाक्य क्या है वर्जी का, वह बोल रहे हैं कि जैसे हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है, जब से कन्या का विवाह हो जाता है तदुपरांत उसके लिए पर पुरुष का पूरी दृष्टि से मुंह देखना भी पाप बताया गया है, तो सबसे पहले तुम पतिव्रता धर्म का पालन करोगी। मिष्टा प्रिया भाषणी, हमेशा मीठा बोलोगी कड़वा नहीं बोलोगी। क्रोधा आलस्य निवारिका, क्रोध और आलस्य दो तुम्हारे समीप भी नहीं आने चाहिए, ना कभी क्रोध करोगे और ना ही आलस्य करोगी। मिष्टा प्रिया भाषणी, हमेशा मीठा बोलोगी, और जो तुम्हें आज्ञा दूंगा उसका पालन करोगी। यदि सहमत रहो तब बैठो अन्यथा नहीं, 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 नहीं। तो ये बना रखी है दुल्हन की मम्मी और ये दुल्हन के पापा। लड़के वालों को यहाँ से आया, राधिका अच्छी लग रही है ना। तो ये फेरों की जगह है, यहाँ पे आपने अभी फेरे देखे थे। तो दोस्तों फेरे संपन्न हो गए और अब हो रहा है गायदान। तो गायदान में है मामा मामी का काम, वहाँ पे मामा मामी गायदान करेंगे। तो दोस्तों गायदान शुरू हो गया, मामा मामी बैठे हुए और ये बाकी भी मामा है। तो यहाँ पे 3 मामा बैठे हुए, एक मामी है और यहाँ गायदान हो रहा है। तो दोस्तों हो गई शादी संपन्न, अब यहाँ पे हो रहा है सिरा भेंट, और जितने भी मेहमान जो आए होते हैं लड़की पक्ष वाले वो सब दूल्हा और दुल्हन को भेंट देते हैं अपनी तरफ से, जो भी चीज़ वो बना के लाए होते हैं, या जैसे माला है पैसे हैं, वो सब अपनी अपनी तरफ से उसको गिफ्ट कर रहे हैं। तो अब ये सिरा भेंट हो चुका है, तो अब जो साली है वो अपने जीजा को मुँह मीठा करा रही है। अरे धीरे धीरे करके तो ये साली ने खिला दिया और अब वो मांग रही है नेक। हाँ दीदी, अरे गिनना गिनना। 2500। अच्छा 2500 रुपए। वो पानी लेकर आई, थोड़ा डांस करते हुए। तो अब आप देख सकते हो शादी संपन्न हो चुकी है और अब थोड़ी देर में होने वाली है दुल्हन की विदाई। तो चलिए अब दुल्हन की विदाई होने वाली है। तो दोस्तों दुल्हन की विदाई हो गई है, आपने देखा ही था, और उसके बाद हम लोगों का नाश्ता भी हो गया है और अब हम भी जा रहे हैं। और ये देखो इनकी भी पैकिंग हो गई है, क्योंकि ये भी एक मेहमान ही है, यहाँ पे शादी करने ही आ रखे थे, और अब ये भी भागेंगे यहाँ से दिल्ली। तो हम भी चलते हैं अब दिल्ली, ठीक है, चलो और हमारी फ्रेंड को ले आना। चलो ओके बाय। तो हम तो जा रहे हैं अभी घूमने के लिए कोटाबाग अपनी भाभी के घर, तो आपको भी लेके चलते हैं कोटा बाग। हाँ हाँ बाय गाइस, कहाँ बाय। तो हम सब जा रहे हैं अब थैले बोध के लेके भाभी के यहाँ कोटा बाग। तो हम मिलेंगे कोटा बाग में, और इनको हम यहीं छोड़ के जा रहे हैं। आए थे हम साथ साथ हैं, लेकिन अब एक को यहीं छोड़ के जा रहे हैं। अब हम 7-6 हो गए, अब हम 7-6 हो गए, वैसे हम 7-8 हैं। इसके बाद हम जाएंगे गांव में कोटा बाग, जो कि आपने मेरी पिछली वीडियो देख ही ली होगी कोटा बाग गांव की। तो चलिए हम फिर मिलेंगे आपसे अपनी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कैसी लगी। तो धन्यवाद।